अध्यक्ष महोदय, कर्ण पांडे, विद्यालय के प्राचार्य महोदय, मंच पर बैठे अन्य अतिथिगण, विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थियों, हमारे पूर्व सैनिक भाइयों और वीर नारी, सबसे पहले मैं आप सबको 1971 की युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ये विजय दिवस के 50वें पर्व पर आप सबको शुभकामना देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। ये लड़ाई हम में से बहुतों ने लड़ी, मैं खुद इस युद्ध में शामिल रहा। उस समय मैं राजपूत रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में मेजर के पद पर था और एक कंपनी कमांडर था। लड़ाई के दौरान हम लोग ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बना है, उस इलाके में युद्ध में शामिल थे और उनके सेलट सब सेक्टर में हमारी फॉर्मेशन जो थी, जिसके साथ 6 राजपूत थी, उन्होंने ऑपरेशन किया और सिलेक्ट में जो पाकिस्तानी ब्रिगेड थी उसका सरेंडर लिया। ये एक अद्भुत युद्ध था। खास तौर पर मैं ये विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि ऐसा युद्ध शायद जो युद्ध का इतिहास है विश्व में, वैसा कहीं और नहीं मिलता है कि इतने कम समय में, मात्र 14 दिन के अंदर, एक इतने बड़े भूभाग पर चारों तरफ से हमला करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान आर्मी को परास्त किया और उन्हें मजबूर किया कि वो इतनी बड़ी सेना होते हुए भी, आपको कैप्टन मनन साहब ने बताया कि 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे ईस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल अरोड़ा को सरेंडर किए आकर, ये लड़ाई एक बड़ी मुश्किल लड़ाई थी। इसमें इस भौगोलिक हालात में ये लड़ाई लड़ी गई। बांग्लादेश के बारे में भूगोल के विद्यार्थियों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि वो एक बड़ा जलमग्न इलाका है, वहाँ चारों तरफ नदियाँ नदियाँ हैं, पानी ही पानी है। और जिस समय हम लोग लड़ाई में गए उस समय नदियों में पानी भरा हुआ था। अभी जाड़े का मौसम था, गर्मी में सूखती है नदियाँ, लेकिन जाड़े में बरसात के बाद नदियाँ भरी रहती हैं। इसी तरह से जितने ताल तलैया थे सब भरे हुए थे और उस ऐसे दलदल इलाके में युद्ध करना और तेजी से युद्ध करना, क्योंकि समय कम था और ऐसा अनुमान था कि अगर हम ज़्यादा लंबा युद्ध को खींचेंगे तो हो सकता है कि विदेशी ताकतें पाकिस्तान की मदद में आए और फिर हमारा टास्क और मुश्किल बन जाए। इसलिए भारत की फौज को ये टास्क दिया गया था कि कम से कम समय में आपको बांग्लादेश से पाकिस्तानी सेनाओं का सफाया करना है। और हमारे सैन्य कमांडरों ने एक बहुत ही सुलझी